याद रखने वाला चीज नियम भी बताया था, इट इज वाला, तो इट इज ए
Bean. आई बात समझ में? या एक कलम है, इट इज ए पेन। चलिए, PEN हो गया आपका पेन। अब हो जाता है आपका कि वह एक चपरासी है, इसका क्या हो जाएगा? वह एक चपरासी है, वह एक कलम है, तो इसका हो गया इट इज ए पेन, और वह एक चपरासी है तो इसका हो जाएगा, वह मैंने बताया वह किसके लिए, वह किसके लिए, जो मैंने याद रखने वाला चीज बताया आपका थर्ड में, वो किस, वह किसके लिए, पुरुष के लिए, तो हम लिखेंगे यहाँ ही, ही, तो वह हो जाता है ही और ए, वह एक चपरासी है, ही इज ए प्यून। आई बात समझ में? चलिए, ये भी सॉल्व कर दिया। अब है वह तमन्ना है, वह तमन्ना है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह तमन्ना है, ये तो, ये क्या बोल रहा है, ये कोई बोल रहा है कि वह तमन्ना है, वह तमन्ना है, तो इसका हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा आपका, वह, जैसे कि इसमें बताया, तो ये तो मैंने बताया कि वो थर्ड नियम, थर्ड याद रखने वाला चीज ना बताया ना, तो ये तो तमन्ना स्त्री हो गई, और वो पुरुष था चपरासी, तो ये तो तमन्ना स्त्री हो गई, तो क्या करेंगे इसमें सी का प्रयोग करेंगे, तो वह मतलब हो जाता है आपका सी, वह जैसे कि थर्ड में मैं थर्ड याद रखने वाले चीज में बताया कि ये बताया कि ही पुरुष के लिए और सी स्त्री के लिए, ठीक है, तो वह तमन्ना है, तो इसमें हो जाएगा सी, सी इज ए तमन्ना। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा? वह तमन्ना है, तमन्ना है, ठीक है, तमन्ना, वह तमन्ना है, तो हो जाएगा सी इज ए तमन्ना, ठीक है, ये भी सॉल्व कर दिया। अब है यह एक किताब है, यह एक किताब है, हम लोग बोल रहे हैं कि यह एक किताब है, तो उसका क्या हो जाएगा? यह एक किताब है, यह का आपका क्या हो जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, यह मतलब हो जाता है इट, ठीक है, तो निर्जीव वस्तु, किताब क्या है? निर्जीव वस्तु है, ठीक है, किताब क्या है? जैसे मैंने शुरुआत में बताया यह एक कलम है, तो इसमें मैंने इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि कलम तो निर्जीव वस्तु होता है, जैसे ये मार्कर है, ये भी निर्जीव वस्तु है, तो वैसे किताब भी तो निर्जीव वस्तु ना होती है, आपके लिए मैं जेंडर बना दूंगा, ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो वो भी वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए, यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो ये क्या हो जाएगा? यह एक किताब है, तो यह तो किताब है, तो ये तो क्या होता है? किताब, ये तो निर्जीव वस्तु है ना, किताब क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो यह है एक किताब है, तो इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इट का प्रयोग करेंगे, चलिए, ठीक है, इट इज, और मैं शुरुआत से डिटेल से बताते आ रहा हूँ कि ये जो मैंने बताया ना नियम में, और इसमें मैंने बताया, नियम में बताया था क्रिया वाला रूप क्या होता है, इज होता है, ठीक है, तो इट इज और एक मतलब हो जाता है ए, तो ये है, यह एक किताब है, इट इज ए बुक। ठीक है, इट इज ए बुक। अब हो जाता है आपका, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, कोई बोलेगा वह एक अध्यापक है, वह एक अध्यापक है, तो वह एक अध्यापक है, क्या हो जाएगा उसका? वह एक अध्यापक है, वह मतलब होता है अध्यापक, क्या होता है? ये तो स्त्री नहीं है, पुरुष है, पुरुष है ना, तो थर्ड में याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको क्या, कि पुरुष के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो हो गया आपका, वह एक अध्यापक है, तो ये हो जाता है आपका, वह मतलब हो जाता है ही, तो यहाँ लिखेंगे ही, आपको सीधा ही लगा देगा, इसमें अंतर है, ठीक है, ही होता है पुरुष के लिए और सी होता है स्त्री के लिए, समझ में आया? वह एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर।
आई बात समझ में, ही इज ए टीचर हो जाएगा इसका। वह एक अध्यापक है, ही इज ए टीचर, आपको ध्यान करके रखना है। मैंने तो बताया ही पुरुष के लिए इज का प्रयोग होता है, क्रिया का रूप है, और ए हो गया एक और एक का ए हो गया, और अध्यापक का टीचर हो गया। सिंपल, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, अंग्रेजी भी बोलना और ये सीखना भी, ठीक है। चलिए अब है, यह एक थैला है, यह एक थैला है, थैला है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, थैला तो निर्जीव वस्तु होता है ना, थैला निर्जीव वस्तु होता है, तो क्या करेंगे, यह में ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ईट का प्रयोग, तो यहाँ करते हैं ईट, ठीक है, ईट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये क्रिया का रूप तो इज हो गया, जैसे फर्स्ट में मैं नियम बताया, तो इसमें हम इज का प्रयोग करेंगे, ईट इज, और एक, एक, ठीक है, एक का हो जाता है ए, तो हम यहां लगाएंगे ए, ठीक है, इट इज ए बेग, ठीक है, इट इज ए बेग इसका हो जाता है आपका, ठीक है। यह एक थैला है, इट इज ए बेग, समझ में आई बात, क्योंकि थैला तो निर्जीव वस्तु होता है, इसीलिए मैंने इट का प्रयोग किया, क्या रहा, थैला निर्जीव वस्तु होता है, इसीलिए मैंने इट का प्रयोग किया। और क्या होता है, क्रिया का रूप इज हो गया इसमें, तो फर्स्ट नियम मैंने आपको बताया, तो वो तो हो गया इज, और ए एक का हो जाता है ए, और थैला का हो जाता है बेग। और ये ध्यान करके रखना है, जैसे कि मैंने सेकंड नियम आपको सेकंड याद रखने वाला चीज बताया था, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए ये भी मैंने बता दिया, सॉल्व कर दिया डिटेल से। अब है आपका वह एक, वह एक क्या है, वह एक डाकिया है, वह एक डाकिया है, वह डाकिया क्या हो जाता है, डाकिया, डाकिया तो क्या हो जाता है, ये तो पुरुष है, तो इसमें हम ही का प्रयोग करेंगे, करेंगे कि नहीं, तो हम करेंगे यहाँ ही, ठीक है, ये पुरुष है, तो यहाँ हम करेंगे ही का प्रयोग, पुरुष है, ठीक है। और इसमें हम इज का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रिया का रूप इज है, इसमें मैंने फर्स्ट नियम में मैंने बताया था, तो यहाँ लिखेंगे इज, ठीक है। वह एक डाकिया है, ही इज, उसके बाद ए, एक हो गया, तो इसका ए हो जाएगा, इसमें ए लगाना है हमें, ठीक है। ये तो अपने बारे में तो थोड़ी ना बोल रहा है, अपना नाम तो थोड़ी ना बोल रहा है, इसलिए मैं ए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो वह एक डाकिया है, ही इज ए डाकिया का पोस्टमैन, वह एक डाकिया है, ही इज ए पोस्टमैन, पोस्टमैन, ठीक है, यहाँ हम मैन लिख देंगे, पोस्टमैन इसका हो जाएगा, वह एक डाकिया है, ही इज ए पोस्टमैन। आई बात समझ में, चलिए ये भी सॉल्व कर दिया आपका, वह ये भी सॉल्व कर दिया। अब वह एक किसान है, वह एक किसान है, किसान क्या हो जाता है, किसान तो हो जाता है आपका क्या, नहीं, ये निर्जीव है, ये तो सजीव है, तो ये तो पुरुष है, तो इसमें हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुरुष के लिए ही होता है, जैसे कि मैंने आपको थर्ड याद रखने वाला चीज बताया, थर्ड याद रखने वाला चीज बताया था, तो वह एक किसान है, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल, पूरा सिंपल है, वह एक किसान है, जैसे कि पूरे डिटेल से समझाते आ रहा हूं, तो वह का हो जाता ही, तो हम ही का प्रयोग करेंगे, ही, उसके बाद हो जाता है आपका क्रिया का रूप इज, जैसे कि फर्स्ट नियम में मैंने आपको बताया था, सिंपल। फिर वह एक किसान है, ही इज, एक का हो जाता है ए, ही इज ए किसान, तो ये हो जाएगा फार्मर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर, ए मैं क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये तो अपना नाम थोड़ी ना बोल रहा है, कोई बोल रहा है उसे, वह एक किसान है, ही इज ए फार्मर, समझ में आई मेरी बात, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये भी सॉल्व कर दिया। अब यह एक पतंग है, आप पतंग तो करते हैं, पतंग का यूज, तो यह एक पतंग है, यह एक पतंग है, यह क्या हो जाता है, पतंग तो हो जाता है निर्जीव, निर्जीव ना हो जाता है, तो इट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड याद रखने वाला चीज में, तो यह एक पतंग है, तो ये हो जाएगा याद रखने वाला चीज, मैंने बताया, तो ये तो हो जाता है निर्जीव वस्तु, तो ये यह का हम इट करेंगे, ठीक है, इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इट, इज क्रिया का रूप हो जाता है, फर्स्ट में मैंने, फर्स्ट नियम में आपको मैंने बताया था, तो इट इज, उसके बाद एक का हो जाता है ए, पतंग, काइट, पतंग का हो जाता है काइट,
काई, जाई बात समझ में, ठीक है। या एक पतंग है, इट इज ए काई। इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि पतंग तो निजी वस्तु है, और इज का क्यों प्रयोग किया? क्योंकि ये तो क्रिया का रूप है, फर्स्ट नियम में मैंने आपको बताया था। और ए का यूज क्यों किया? क्योंकि यह एक, इसमें एक है तो यह एक पतंग है, सेंटेंस में एक है, यहाँ एक है, ठीक है, सेंटेंस में एक है तो यहाँ एक का प्रयोग किए, क्या किए? एक का प्रयोग किए। और पतंग का क्या हो जाता है? पतंग का इसका हो जाता है काइट। सिंपल, बहुत सिंपल है। चलिए ये भी सॉल्व कर दिया आपका, डिटेल से सॉल्व कर दिया। अब है वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, ठीक है, तो वह एक आदमी है, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने क्या दिया, यहाँ वह तमन्ना है, तो यहाँ मैंने सी ई जे नाम तो बड़ा लेटर हमको देना है ना, कैपिटल लेटर, तो यहाँ हम दे देते हैं बड़ा टी, ठीक है। सॉल्व कर दिया आपका ये भी, वो वाला सॉल्व कर दिया। अब है वह एक आदमी है, इसका बहुत सिंपल है, ये तो आपको आता ही होगा, पूरे डिटेल से समझाते आ रहा हूँ, ये भी आपको आता है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा। वह एक आदमी है, वह एक आदमी है, वह का हो जाता है आपका क्या, क्या हो जाता है वह का हो जाता है आपका, जैसे कि वह मैंने बताया ना, वह होता है किसके लिए? वह एक आदमी है, आदमी तो है पुरुष, स्त्री तो नहीं है, स्त्री तो हो जाती है क्या, वुमेन औरत हो जाती है, और ये है मैन, तो ये तो पुरुष है, तो पुरुष में हम ही का प्रयोग करेंगे, तो वह एक आदमी है, इसमें हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक है, ही एक है, तो एक का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, क्रिया का रूप इज है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट नियम में आपको बताया था, नियम में वह एक आदमी है, ही इज, और एक का हो जाता है ए, ही इज ए आदमी, ही इज ए मैन, आई बात समझ में। चलिए ये भी आपका मैंने सॉल्व कर दिया, कुछ ही मिनटों में आपका सॉल्व कर दिया। वह एक आदमी है, ही इज ए मैन, वह किस लिए वह हो गया आपका, वह पुरुष हो जाता है, तो यहाँ ही का प्रयोग किए हम, और इज किस लिए तो मैंने बताया क्रिया का रूप, फर्स्ट नियम में मैंने बताया, तो इज का प्रयोग किए इसलिए। और ए क्यों है? ए है एक है, तो इसमें एक का प्रयोग किए, और आदमी मतलब होता है मैन, समझ में आई बात। ये भी आपका मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया। चलिए तो मैं आशा करता हूँ कि पूरे डिटेल से मैंने समझाया, तो राइट फन क्लास में तो आपको पूरे डिटेल से ही समझाया जाता है, तो ये तो आपको पूरा आसानी से आ गया होगा। तो आज का टॉपिक रहा वो था यूज ऑफ इट, ही, सी, वह, इज, है, सब मैंने टोटल आपका सॉल्व कर दिया, और पूरा प्रयोग करके दिखा दिया, नियम भी बताया, और याद रखने वाला चीज भी बताया, और मैं जैसे याद रखता हूँ वैसे आप भी याद रखिए, तो ये पूरा सेंटेंस बाय हाथ का खेल है, चुटकियों का खेल है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर जरूर करें, जिन फ्रेंड्स को ये नहीं आता उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है। और एक मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मैंने यूज ऑफ डीज और डोज का बताया है, तो वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे, देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं।